बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। मणिपुर हिंसा ने अब और भी भयानक रूप ले लिया है। जगह जगह लोगों के प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्र ने जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा कर्तव्यों के लिए लगभग 2000 कर्मियों वाली दो नई सीआरपीएफ बटालियन की तैनाती का निर्देश दिया है। बटालियन नंबर 58 को तेलंगाना से जबकि 112 नंबर वाली बटालियन को झारखंड के लातेहार से भेजा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पहली इकाई का मुख्यालय मणिपुर के कांगवाई में होगा जबकि दूसरी इम्फाल के आसपास तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से कुछ अन्य हिस्सों में परिचालन कर्तव्यों के लिए मणिपुर से असम राइफल की दो बटालियन की वापसी के बाद इस कदम का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के एक बटालियन में लगभग 1000 कर्मियों की परिचालन शक्ति होती है। सूत्रों के अनुसार दो ड्रोन बंदूकें जो ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन को जाम कर देती है जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या पीछे हट जाता है। मणिपुर में सीआरपीएफ कर्मियों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ और तकनीकी गैजेट जल्द ही मणिपुर भेज दिए जाएंगे।